तो जैसा कि आपको पता है कि आप में एक व्लॉग और रोजाना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आया करेंगी तो आज के जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड है टू साउथ कोरिया चलते हैं आज के वीडियो की तरफ आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो बताऊंगी क्रेजी रूल्स इन साउथ कोरिया सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट स्टार्ट वीडियो नंबर वन मस्ट कम्प्लीट मिलिट्री सर्विस अठारह से अट्ठाईस साल की उम्र के तमाम साउथ कोरियन मर्दों को तकरीबन इक्कीस माह की लाजमी फौजी सर्विस मुकम्मल करनी होती है अब आप लोग सोचते होंगे भाई क्यों क्यों वजह क्योंकि दे नीड टू मेंटेन अ स्ट्रॉग नेशनल डिफेंस क्योंकि साउथ कोरिया टेक्निकली अभी भी नॉर्थ कोरिया के साथ वॉर में है सिंस द कोरियन वॉर एंडेड इन 1953. जैसे कि आपके प्यारे बीटीएस के मेंबर्स भी मिलिट्री सर्विस लेने के लिए मिलिट्री में गए हुए हैं नंबर टू मिडनाइट कर्फ्यू फॉर गेमर्स गेमिंग एडिक्शन से निमटने के लिए हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र के गेमर्स के लिए कर्फ्यू जो है वो एम्पोज किया है जिसमें उन्हें आधी रात से सुबह छः बजे के दरमियान ऑनलाइन गेम्स खेलने से मना किया गया है मतलब कि वाओ नंबर थ्री नो स्पिटिंग इन पब्लिक पब्लिक में थूकना यानी कि नपाक समझा जाता है और इसके नतीजे में जुर्माना भी हो सकता है आपको तो याद रखिए जब भी साउथ कोरिया जाए तो इन रूल्स को याद रखे जाइएगा नंबर फोर नो टैटूज़ इन पब्लिक पूल्स साउथ कोरिया में बहुत से पब्लिक स्विमिंग पूल्स और बाथ हाउसेस में टैटूज बनवाने वाले लोगों को वो दाखिल नहीं होने देते या वो इजाजत ही नहीं देते बिकॉज टैटूज आर एसोसिएटेड विद गैंग मेंबरशिप तो उन जगह पर ये रिस्ट्रिक्शंस को मेंटेन इसलिए किया जाता है ताकि सिक्योरिटी को बरकरार रखा जाए नंबर फाइव नोट ट्रैश कैंस देखिए भाई जब भी आप साउथ कोरिया जाएं तो आप ये जरूर ऑब्जर्व करिएगा कि वहाँ पर स्ट्रीट्स में ट्रैश कैन्स नहीं होते लोग अक्सर जो है अपना ट्रैश जो है वो अपने पास संभाल के रखते हैं या फिर वो पास में ही कॉर्नर में रख देते उधर ट्रैश कैंस को फाइन करना बहुत मुश्किल होता है उसकी वजह सिंपल यही है कि वहाँ पर वो लोगों को इंक्रेज करते हैं कि वो अपना जो कचरा है वो घर लेके कर और वो अपना जो पब्लिक स्पेसिस को जो है क्लीन करके रखें ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना कूड़े का ढेर लोग इसी तरह अपना कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा करके फेंक जाते हैं अगर उनको डस्टबिन नहीं मिलती तो। लेकिन ट्रस्ट मी वहाँ पर पाकिस्तान की तरह कचरा नहीं होता गलियों पर वहाँ पे साफ सुथरी स्ट्रीट होते नंबर फाइव सब वे मैनर्स साउथ कोरिया के सब में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं अबाउट बिहेवियर मिसाल के तौर पर फोन पर बात करने की आम तौर पर डिस्करेजिंग की जाती है कोरिया से हटकर अगर जापान की सबवे ट्रेन की बात की जाए तो जापान में सिर्फ वमेन्स के लिए सबवे ट्रेन जो है 1912 में उनके मौजूदा दौर में अलग से छवा मेन लाइन पर थी ठीक है उन्हें रश के वक़्त में जो है मर्द और या ख़वाबिलों को अलग यानी कि सपरेट करने के लिए एक फ़्लावर ट्रेन के लाने वाली सर्विस को जो है उन्होंने मुतारफ़ कराया था जो कि दूसरे जंग अजीम के दौरान ख़त्म हो गई थी तो ये थे कुछ साउथ कोरिया के रूल्स और मैंने अब सोचा है कि मैं अपनी वीडियोस में मैं अपने ब्लॉग्स में जो मुझे कमेंट्स आते हैं उसमें से मैं रैंडमली एक कमेंट पकड़ूंगी और उसमें आपको मैं जवाब दूंगी किसी का भी कमेंट होगा उसका मैं आंसर ज़रूर ज़रूर करूंगी और आप लोगों को शाउट आउट भी दिया करूंगी मैं अपने वीडियोस में तो अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो के शाउट आउट होएं तो वो कॉमेंट करें नीचे वाली वीडियो में और मैं आप लोगों को ज़रूर शाउट आउट करूँगी और चलते हैं कोई कॉमेंट एक रैंडमली पकड़ते हैं और उसका आंसर करते हैं खैर ये कुछ कॉमेंट मुझे आते हैं उसमें से मैं एक रैंडमली कामेंट पकड़ूंगी और उसका मैं आंसर जाऊँ ओके गाइस इस तो मैंने फ़ोन ले लिया है और हम लोग उसके कोई रैंडमली कॉमेंट लेते हैं ठीक है और उसका आंसर करते हैं ठीक है जी तो हम यहाँ से कोई से बेक रैंडमली ले लेते ले हैं एंड ओके मैंने ले लिया तो सबसे सब जो कमेंट किया है उनका नाम है किम तेशु वो कहती हैं कि हेलो सुजूनी बात सुनो आप हमें कोरियन में इंट्रोडक्शन करवाना सिखाओ प्लीज़ तो चलिए मैं आपको अब आप इंट्रोडक्शन कराना सिखाती हूँ कोरियन में कोरियन में अपना इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ईजी होता है मैं आप लोगों को टू वेज बताऊंगी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन कोरियन सबसे पहले अन्योंग सोजोनिया अन्य फंगा वो जिसका मतलब होता है हाय आई एम सोजोनी नाइस टू मीट यू और जो तो सेकंड वे होता है वो होता है अन्यो हाज सोजोनियांगा वो या अन्यम खास सोजोनी फंगा वायो देखिये मेरा नाम सूजोनी है तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम ऐड किया है अगर आपका जो भी नाम है किंजा है नीदा है सारा है तो आप अपना नाम ऐड करके या या यो ये दो लगा सकते हैं आगे फंगा वो एम फंगा और ये था इंट्रोडक्शन ये तो आप आराम से एक ही बारे में सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन आप इंट्रोडक्शन एक ये भी होता है कि आपसे दूसरा बंदा पूछ रहा होता है और आपने जवाब देना हो कोरियन में ठीक है जैसे कि कोई पूछता है बंदा व्हाट इज़ योर नेम इन कोरियन में तो आप उसका जवाब दें तो मैं आपको ये भी करना सिखाती हूँ देखिए अगर आपसे कोई पूछता है इरमी इरमिमोयो इमिमोयो आपने घबराया नहीं है कि वो क्या कह रहा है इसका मतलब होता है व्हाट इज़ योर नेम इरमी मोयो इरमी मोयो मेरा नाम सोजोनी है तो मैं कहूँगी सोजोनी मीरा सोजूनी इमिदा सो जूनी इम्मिदा का वर्ड या यो या या। ये हम लोग तीन वे से अपने नाम के आगे अगर कुछ भी लगा देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि मेरा नाम सोजूनी है या जो भी आपका नाम है और अगर कोई आपसे कोरियन में पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम? तो वो कुछ इस तरह करेगा ओदी एस सो सोयो ओदी एस सोयो और अगर कोई मुझसे पूछता है ओद ही सो वैसा यो, तो मैं तो यही कहूँगी ना कि एम फ्रॉम साउथ कोरिया आप जिससे भी कंट्री से रिलेट करते हैं आप उसी का ही नाम लगा दीजिएगा जैसे कि अब मैं साउथ कोरिया से बिलोंग करती हूँ तो हम लोग साउथ कोरिया को हंगुक कहते हैं कोरिया में हंगुक तो मैं कहूँगी हंगुक ऐसा वैसा हो हंग ऐसा वैसा हो यो। ये जो मैंने आप लोगों को कुछ कन्वर्जेशन बताई है कोरियन टू कोरियन ये मैंने आप लोगों को सिर्फ मेन कन्वर्सेशन बताई है बाकी आप क्या करते हैं या आप कहाँ रहते हैं या आप मतलब जो भी सवालात इस तरह के जो प्रॉपर uh, क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में बताऊंगी ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ मेन मेन कन्वर्जेशन बताई है ना उसके लिए प्रॉपर प्रॉपर कुरियन टू कोरियन कन्वर्जेशन मैं आप लोगों के लिए वो अलग वीडियो बनाऊँगी तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वो वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा एंड या थैंक्स वॉचिंग